علی جناب حضرت مولانا ارشد احمد میر صاحب دامہ برکت. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما صدق الله المولى العظيم. اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء کرام، مہمانان اعزام، بزرگوں اور بھائیوں، آج انسان نے اتنی ترقی کی کہ وہ چاند پر اپنی کمان ڈالنے کے اندر کامیاب ہو گیا ہے. آج سائنس نے ایسی ایسی ایجادات کی کہ وہ اپنی محنت کے ذریعے لوہے کے جہاز پر زمین سے ہزاروں فٹ اوپر پرواز کرنے میں ذرا بھی خوف محسوس نہیں کرتا. آج سائنسی ایجاد اپنی ترقی کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ مشرق میں ہونے والا کوئی واقعہ ایک منٹ کے اندر اندر مغرب میں سب کو پتا چل جاتا ہے. آج سائنس نے اپنی محنت کے ذریعے ایسے جدید آلات ایجاد کیے کہ آسمان کے جو سیارے ہیں وہ یکے بعد دیگر دریافت کرتے ہوئے اور سمندر کی گہرائیوں میں کیا کیا مخلوق ہے اس کی کھوج کرتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل گئے. اور انسان کی فطرت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بھڑکدار چیز، کوئی نئی چیز پیش کی جاتی ہے تو پرانی چیز کو آہستہ آہستہ بھول جاتی ہے. جب اس کے سامنے اشتہارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کسی چیز کی غیر معمولی اہمیت کو بیان کی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ اپنے پیچھے ایک حقیقت کو دھیرے دھیرے فراموش کر دیتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس کو بلند درجہ اور بلند مقام دینے پر اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے جس سے آج کا دور گزر رہا ہے. لوگ سائنس اور اسلام ان دونوں کو ایک پلے کے اندر سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام جو ہے اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، اس کے جتنے بھی قول ہیں، اس کی جتنی بھی اطلاعات ہیں وہ کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے، کسی انسان کی بولی نہیں ہے، وہ براہ راست وحی ہے، الہی ہے، اللہ کی جانب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی جاتی ہے اور آپ امت کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى
इन हुआ इल्ला वहयू यूहा, आप अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं फरमाते, आपका फरमाना खालिस वही है। तो एक तरफ वही है और वो अल्लाह के कलेमात है, ला तब्दील लि कलेमात इल्ला, कुरान पाक का ऐलान है कि अल्लाह के कलेमात के अंदर, अल्लाह के बयान करदा अहकामात के अंदर, अल्लाह की बयान की हुई कुदरत के अंदर कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। और साइंस ये इंसानों की इजाद है और वो इजाद भी अपने अकल के ऊपर उन्होंने जोर देकर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़े, और जितनी भी साइंस है वो कुरान और हदीस ही की रोशनी के अंदर आगे बढ़ी है। अब उनको समझने के अंदर खता हुई, चुनांचे वो यूटर्न ले लिया। चंद साल पहले उनके नजरियात और थे और आज उनके नजरियात कुछ और है। यही फर्क इस्लाम और साइंस के अंदर है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मक्खी दूध के अंदर या किसी चीज के अंदर गिर जाए तो उस सूरत के अंदर उसको और डुबो और फिर वो दूध पी लो। बज़ाहिर ये एक ऐसी बात है जो तबीयत के खिलाफ है, लेकिन ये फरमान रसूल है। और फिर आपने उसकी हिकमत बयान की कि मक्खी के दो पर है, एक पर में बीमारी है, एक पर में शिफा है। वो बीमारी वाला पर पहले डालती है और शिफा वाला पर बाद में। तो अगर आपने उसको वैसे ही पी लिया तो बीमारी वाला पर जो उसने उस दूध के अंदर या शरबत में या पानी में डाला है वो बीमारी के साथ आपके पेट में जाएगा और बीमारी आपको लाहक होगी। अगर आपने उसको डुबो दिया तो शिफा वाला पर उसके साथ मिल जाएगा और बीमारी से आप बच जाओगे। साइंस तहकीक करते हुए इस नतीजे पर पहुंची कि 1400 साल पहले रेगिस्तान में बैठने वाले एक नबी उम्मी फिदा हो अभी वो उम्मी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो बिल्कुल सही है, हूबहू है, और उसकी सदाकत के अंदर जरा बराबर भी इनकार की गुंजाइश नहीं है। ये उन्होंने तजुर्बा करके देखा। इस्लाम उसने अखलाक के एतबार से मर्दों को तालीम दी कि अपना पायजामा तखनों से ऊपर पहने, मा असफला मिन अल-इज़ार मिन अल-काबैन फिन्नार, कि तखनों से नीचे जो पायजामा लटकाया जाता है उतना हिस्सा काट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। और कबीरा गुनाह यानी बड़े बड़े जो गुनाह है उसके अंदर तखनों से नीचे पायजामा लटकाने को शुमार किया गया है। जिस तरह झूठ बोलना ये गुनाह है कबीरा है, चोरी करना ये गुनाह है कबीरा है, शराब पीना ये गुनाह है कबीरा है, इसी तरह तखनों से नीचे पायजामा लटकाना ये भी गुनाह है कबीरा है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जो नौजवान है अक्सर उनके पायजामे तखनों से नीचे होते हैं। मस्जिद नबवी में जाली मुबारक के सामने में बैठा हुआ था और एक जब में गफीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर सलाम के लिए कतार दर कतार जा रहा था, मेरी नजर गई उनके कदमों में तो देखा कि अक्सर के पायजामे और इजार और पटलून ये तखनों से नीचे है। एक तरफ वो अल्लाह के रसूल को सलाम पेश कर रहे हैं और एक तरफ आपकी हुक्म को छोड़ रहे हैं। सब तरीन वरीद है। कौम लूत के अंदर 10 खसूसियात थी, 10 गुनाह ऐसे आम हो चुके थे जिसकी बिना पर उन पर आजाब आया। उसमें एक गुनाह तखनों से नीचे पायजामा लटकाना था। साइंस ने तहकीक की कि इस्लाम ने मर्दों को क्यों मना किया, औरतों के लिए है कि तखनों से नीचे पायजामा लटकाया, मर्दों को क्यों मना किया?
تحقیق کی، ریسرچ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تخنوں سے، تخنوں کے پاس ایک رگ ہے، اگر ہم پائجامہ تخنوں سے نیچے کریں گے تو وہ پائجامہ اس رگ کے ساتھ برابر مست ہوتا رہے گا، لگتا رہے گا، اور اس رگ کا تعلق قوت مردانیت سے ہے، اور برابر اس سے مست ہونے کی وجہ سے مرد کی قوت مردانیت میں فرق آئے گا۔ اب آپ بتائیے، آپ کہو گے کہ اس زمانے میں کیا کوئی سائنس تھی؟ کوئی سائنس نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی ہے جس میں ذرا برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام نے خود بتایا، سونے کا طریقہ بتلایا کہ دائیں کروٹ پر سوئے، بائیں کروٹ پر نہ سوئے، بالکل سیدھا نہ سوئے، الٹا نہ سوئے۔ شیطان الٹا سوتا ہے، بیمار سیدھا سوتا ہے، اور کمزور وہ بائیں کروٹ پر سوتا ہے، کافر بائیں کروٹ پر سوتا ہے، اور مومن دائیں کروٹ پر سوتا ہے۔ بھلا کیا حکمت ہے؟ حکمت ہے اس بات، اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے، اب دائیں کروٹ پر جب وہ سوئے گا تو اس صورت کے اندر یہ جو دل ہے جس کو بادشاہ کا درجہ دیا گیا پورے اعضاء کے اندر، اس کی دھڑکن انسان کی زندگی اور حیات پر ہے۔ اگر دل کی دھڑکن رک جاتی ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو 24 گھنٹے وہ خدمت میں، ہماری خدمت میں یہ دل لگا ہوا ہے، اب اس کو آرام بھی تو دینا ہے۔ اگر ہم دائیں کروٹ میں سوئیں گے تو یہ دل وہ اوپر کی طرف رہے گا اور اس کو آرام ملے گا، پوری رات وہ سکون کے ساتھ اپنا کام کرے گا، اور جب دن ہوگا تو اس دن کے اندر بھی اپنا کام سکون کے ساتھ کرے گا۔ اور اگر ہم بائیں کروٹ پہ سوئیں گے تو پورے وزن، جسم کا پورا بور اور پورا وزن دل کے اوپر آئے گا، تو یوں بھی وہ پورے دن ہمارے خدمت میں ہے، تو رات کو ہم تو آرام کریں گے لیکن ہمارا دل سکون سے نہیں رہے گا۔ بتلائیے کہ کس نے کہا؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی تھے اور نبی امی تھے، لیکن آپ کی باتیں جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں اسلام کی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، اور سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں لیکن اسلام کے نظریات کبھی بھی بدلتے نہیں ہیں۔ ایک یہودی وہ اسلام لے آیا، اسلام لانے سے پہلے اس نے بڑے عالم دین سے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبی نے جہاز سمندر کا سفر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے سمندر کا سفر نہیں کیا، آپ کا آپ اونٹوں پر آپ نے سوار کیا یہ تو ثابت ہے، لیکن آپ نے دریا پر سوار کیا، سواری کی ہو، جہاز لانے میں کے ذریعے سفر کیا ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہودی ایمان میں داخل ہو گیا، اس کو پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن پاک میں سمندر کی ایسی مثال دی گئی ہے کہ جس نے پوری زندگی سمندر کے سفر میں گزاری ہو وہ بھی ایسی مثال نہیں دے سکتا، موجود کل جبال۔ یہ ہے اسلام۔ سائنس جتنی بھی ترقی کرے، سائنس جتنی بھی آگے بڑھے، لیکن ہمیشہ وہ اسلام کی محتاج ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب سائنس نے اللہ کی خدائی پر اپنے نظریات کے ذریعے انکار کیا تھا کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے،
इसको चलाने वाली कोई हस्ती नहीं है, लेकिन 20वीं सदी के अंदर उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और उन्होंने कहा कि नहीं। मोहतरम हजरात, आप अपनी अपनी जगह बैठे रहे, मैंने सबको ऐलान किया था कि सब लोग पिंडाल में आ जाए, जो पिंडाल में आ जाएंगे वो हर तरीके से हिफ्ज़-ओ-अमान में रहेंगे, तमाम शोर शराबे से दूर रहेंगे, जो शराब कर रहे हैं उनको अंदर बुला लिया जाएगा तो माहौल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आप परेशान ना हो, शोर शराबा करके माहौल को खराब करने वाली ताकतें हर जगह होती है, लेकिन मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, हम इनके जज्बात का कद्र करते हैं और कुछ ना कुछ प्रोग्राम को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के वजूद का इनकार किया कि भाई ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन 20वीं सदी के अंदर जाकर साइंस ने अपने गलती का एतराफ किया और एतराफ करते हुए कहा कि नहीं, अल्लाह की हस्ती मौजूद है और अल्लाह ताला मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला ये पूरी कायनात को चलाता है। एक मर्तबा मैं सफर कर रहा था ट्रेन के अंदर और मेरे सामने एक बहुत बड़ा ताजिर बैठा हुआ था, दिल्ली का सफर था। सफर तो यूं भी कट जाता है लेकिन जब किसी से गुफ्तगू हो तो और अच्छी तरह कटता है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपका ताल्लुक हिंदू मजहब से है। वो कहने लगा कि देखो मैं कोई मजहब मजहब मानता नहीं हूं, मेरी वालिदा है वो खूब मंदिरों में जाती है और पूजा पाठ भी करती है, लेकिन मैं किसी मजहब को नहीं मानता। मैं खामोश हो गया, मैंने कहा कि क्या वजह है। तो कहने लगा कि आपको मैंने देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और मैंने अपने माँ बाप को देखा कि वो खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो हालत है वो मेरी हालत है, आप जिस तरह अच्छी तरह जिंदगी गुजारते हो मैं भी गुजारता हूँ। उसका नजरिया ये था कि इबादत के जरिए मेरी जिंदगी के अंदर खुशगवारी आए, ऐसा नहीं है। फिर मैंने उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की कि आपके जेब के अंदर जो कलम है भला बतलाइए, ये कलम जो है वो वैसे ही बनी या उसके बनाने का कोई मकसद है। तो कहने लगा कि हाँ मकसद है, वो लिखने के लिए बनाई गई। मैंने कहा कि आपके हाथ के अंदर घड़ी है तो ये जो घड़ी है वो किसी मकसद से बनी या वैसे ही बनाई गई। कहा कि नहीं, ये मकसद से बनी है और वो मकसद वक्त का देखना है। तो मैंने कहा कि एक छोटी सी घड़ी वो भी मकसद के लिए बनाई गई और एक छोटी सी कलम वो भी मकसद के लिए बनाई गई। फिर मैंने कहा कि अच्छा आप दिल्ली का सफर कर रहे हो तो वैसे ही जा रहे हो या कोई मकसद लेकर जा रहे हो। कहा कि हाँ मेरा मकसद है, कुछ कामकाज है। मैंने कहा आपका सफर ये भी मकसद के लिए, तो छोटी छोटी चीज ये मकसद के लिए है। तो अल्लाह ताला ने हम तमाम को इतने बड़े इंसान को पैदा किया तो वो वैसे ही पैदा किया, बगैर मकसद के पैदा किया, कोई मकसद ही नहीं। तो खामोश हो गए। फिर मैंने कहा कि अच्छा बताओ कि ये ट्रेन चल रही है, ये खुद ब खुद चल रही है या उसको कोई चलाने वाला है। तो वो कहने लगा कि हाँ इसका चलाने वाला है। मैंने कहा खुद ब खुद तो नहीं चल रही है, लेकिन नहीं खुद ब खुद। फिर मैंने कहा कि उसका चलाने वाला एक ही या दो है। तो कहने लगा कि भाई एक है। उस पर मैंने कहा कि इतनी बड़ी कायनात है, जब ट्रेन बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती तो इतनी बड़ी कायनात क्या वैसे वैसे चलेगी। बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने कहा कि पूरी कायनात को चलाने वाला एक है और वो एक ही है, चलाने वाला भी है और चलाने वाला एक ही है। अगर दो होते तो कायनात के अंदर एक फसाद बर्पा हो जाता। एक अल्लाह कहता बारिश बरसाओ,
एक अल्लाह कहता आप बरसाओ, इन्होंने बड़े पाप किए हैं, बिल्कुल खामोश हो गया, उसके दिल के अंदर मेरी बात यानी बिल्कुल उतर गए और अपना काट लिया और मेरा काट उसने लिया और फिर फोन से वो रक्त में रहा। तो ये साइंस यही कह रही थी कि ये कायनात खुद ब खुद चल रही है, लेकिन आज 20वीं सदी में जाकर उसने इकरार किया कि नहीं, ये कायनात खुद ब खुद चल नहीं रही है, उसका चलाने वाला एक अल्लाह है। हम इस दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं जिस दौर के अंदर साइंस ने बहुत तरक्की की और आने वाले दिनों के अंदर उसकी जो तरक्की है वो और उरूज पर पहुंचेगी। तो हम ये जाहिरी तरक्की को देखकर इस्लाम के दामन को न छोड़े और इस्लाम को हम छोटा न जाने, इस्लाम की तालीम को हम पुरानी तालीम तसव्वुर न करें, इस्लाम ही के जरिए इस साइंस ने यहां तक तरक्की की है। जितने भी बड़े से बड़े जहाज ये तैयार कर ले, लेकिन क्या कोई जहाज या कोई रॉकेट या कोई मिसाइल या कोई मिसाइल मेराज का वो बुरा जिसकी तेज रफ्तारी का ये आलम था कि जहां नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, क्या कोई इस दौर के अंदर भी उस बुराक का उस मेराज की सवारी का मुकाबला कर सकता है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो ये जहाज का सफर ये इन्होंने कुरान के मेराज के वाकये से लिया और मेहनत की। हजरत सुलेमान अला नबीना वाले सलात सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सल्तनत दी थी कि वो हवाओं को हुक्म देते, उनके तख्त को लेकर पूरे सामान के साथ पूरे हश्म खत्म और लश्करी और पूरे अमले के साथ वो होता था। गुदुवा शहर और वाहवा शहर, सुबह शाम के अंदर 2 महीने की मसाफत को तय करता था। तरक्की करते हुए साइंस यहां तक पहुंची कि आज तक कोई ऐसा जहाज तैयार हुआ जो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के तख्त का मुकाबला कर सके? हरगिज नहीं। कसूर हमारा है, मंजद्दा वजदा गैरों ने, यूरोप ने कुरान और हदीस के अंदर रिसर्च किया, कोशिश की, मेहनत की, तो उस सूरत के अंदर वो तरक्की पर पहुंच गए और हम उनको तरक्की याफ्ता और कहते हैं और हमारे पास कुरान मौजूद है, लेकिन हम अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम से दूर रखते हैं। और यूरोप की इस तरक्की को जो दरअसल कुरान के जरिए हुई, हम अपने बच्चों को यानी कॉलेजों का रुख और यूनिवर्सिटी का रुख और असली तालीम के रुख की तरफ लगाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कॉलेज और स्कूल की तालीम का मुखालिफ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में हमारे स्कूल चलती है, गुजराती मीडियम की है स्कूल और इंग्लिश मीडियम की है, 900 तलबा है और मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो मदरसा और स्कूल ये दोनों साथ लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते हैं, लेकिन जो रूहानियत मदारिस की फजाओं के अंदर है वो रूहानियत स्कूल और कॉलेज की फजाओं में नहीं है। जो अखलाक, जो तहजीब, जो इस्लामी सोच इल्म के अंदर पैदा हो, इल्म में पैदा नहीं होता। लेकिन आज के दौर में हमको दोनों को लेकर चलना है तो किस तरह करना है? तो दोनों को लेकर अगर हम चले तो हमारे घर का माहौल पूरा इस्लामी हो। हमारे बच्चे अगर के स्कूल जाए, कॉलेज में जाए, लेकिन जब वो हमारे घर के अंदर आए तो हमारे घर का माहौल ऐसा इस्लामी हो कि कॉलेज में वो पढ़ कर जो चीज आया उससे वो मुतासिर ना हो
और वो ऐसा ना कहे कि साइंस बहुत आला है और इस्लाम पुराना मजहब है। ये छोटा सा फर्क है। बुखारा और समरकंद के अंदर इस्लामी हुकूमत थी, इस्लामी चर्चे थे। यहूदी मुसलमानों के लिबास के अंदर बुखारा और समरकंद के अंदर आए और अपने बच्चों को मुसलमान का नाम देकर स्कूलों के अंदर भेजा, मदरसे में भेजा और उनकी तालीम के ऊपर खूब मेहनत की, यहां तक कि वो हर क्लास में टॉप आने लगे और अपने आप को इस्लाम और मुसलमान का नुमाइंदा जाहिर करते रहे। कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम यहूदी हैं और हमारा एक प्लान, एक साजिश है। जब ये बच्चे स्कूल से घर आते तो पूरा इस्लामी लिटरेचर पढ़कर सुनकर आते, फौरन उनके माँ बाप उनका जहन बदल देते कि देखो बेटा, इस्लामी स्कूल में जा रहे हो, इस्लामी मदरसे में जा रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस्लाम की हकानियत को मान लो और मुसलमान हो जाओ। एक मिशन के मातहत तुमको हम भेज रहे हैं और उसको तुम्हें आगे बढ़ाना है, कामयाब करना है। यहाँ तक कि वो तलबा बड़े बड़े आलिम बन गए, यहाँ तक कि वो तलबा अपने जमाने के काजी बन गए। एक यहूदी है लेकिन इस्लामी लिबास के अंदर काजी बनकर बैठा हुआ है, जज बनकर बैठा हुआ है, मस्जिद का इमाम बनकर बैठा हुआ है और अपना मिशन अंदर छुपाए हुए है। फिर उन्होंने आपस के अंदर मुसलमानों को लड़ाया और उसी लड़ाई के अंदर उनकी ताकत को कमजोर किया और पूरा बुखारा और समरकंद उनके हाथों से ले लिया। देखो तो हमारे बच्चे स्कूलों के अंदर जाए, एक तालिब इल्म जब गया स्कूल के अंदर, छोटा सा बच्चा, उसकी माँ उसको रिक्शा में कहीं ले जा रही थी, एक मुजस्मा एक मूर्ति का वहां से वहां था तो रिक्शा ही के अंदर बैठे बैठे उसको हाथ जोड़कर नम कर रहा था। उसके माँ बाप ने देखा और पूछा कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि ये वो अमल कर रहा हूं जो रोजाना मेरे पास स्कूल में कराया जाता है। अब आप बताइए कि स्कूलों के अंदर अगर वंदे मातरम पढ़ाया जाएगा और दूसरे मजहब की तालीम सिखलाई जाएगी और यही बच्चा हमारे घर में आएगा और हम भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो उस सूरत के अंदर जाहिर तौर पर कुछ दुनिया तो मिल जाएगी, कुछ डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो हाथ से निकल जाएगा। तो उलमा असली तालीम से मना नहीं करते और साइंस से इतना सब मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। हमारे घर के अंदर कुरान और हदीस साइंस का मादन और खजाना है। अगर अल्लाह ताला हमें समझ दे और हम खुद अपने कुरान में रिसर्च करें तो ये बड़े बड़े साइंसदान ये हमारी इख्तिदा करेंगे, हमारी पैरवी करेंगे, हम अपने इस्लामी तशख्खुस में रहेंगे। हम पहले मुसलमान उसके बाद फिर डॉक्टर, पहले पक्के और सच्चे ईमान वाले उसके बाद फिर हम इंजीनियर, पहले पक्के सच्चे हम ईमान वाले मुसलमान और उसके बाद फिर हम हवाई जहाज को उड़ान वाले पायलट बनेंगे और अपने बच्चों को बनाएंगे। ये दोनों चीजें उसी वक्त अच्छी तरह मुमकिन हो सकती है जब हम इस्लाम को फौकियत दे, इस्लाम की आजमत को हम अपने दिलों में जगा दें और अपने बच्चों की तरफ पूरी तवज्जो रखें। तो ये उलमा न साइंस के मुखालिफ है, न स्कूल के मुखालिफ है, न असली तालीम के मुखालिफ है, लेकिन सिर्फ इतना पावर चलाना चाहते हैं कि पहले हम मुसलमान हैं, पहले हम ईमान वाले हैं, कहीं हम जाहिर तमतराक को देकर अपने ईमान को कमजोर न कर बैठे। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।